अच्छा गौर का भी है, हे यज्ञ आपके पाप के, हे यज्ञ आपके पाप विज्ञान जो जानता ईसा मन्य विज्ञात उपचार सुस्मृता। कुछ दोष अपने जीवन में ऐसे हैं जिनको छोड़ना है और कुछ गुण ऐसे हैं जिनको प्राप्त करना है और कुछ गुण दोष ऐसे हैं जिनको पक्का करना है पकाना है। कहते हैं ये तीनों बातें जो हैं ये औपचारिक हैं। उपलम्बस प्रसुष्ठ केवल ज्ञेय जो इसमें है वही वस्तु सत्य है। ये ज्ञेयात्म पाख्यान विज्ञान में गुरान ईशा मन्यत्र विज्ञात उपलम्बस्त सुश्रोता। तुम स्वयं जो हो वो यदि किसी देश में काल में अथवा द्रव्य के रूप में अप्राप्त वस्तु को चाहोगे तो जो स्वयं सिद्ध वस्तु है उसके दर्शन में बाधा ही पड़ेगी। इसलिए ये मत सोचो कि ईश्वर हमारे ऊपर खुश है, ये तो ईश्वर का बड़ा अपमान है। स्वाभाविक खुश खुश क्योंकि वो खुश नहीं है। तुम ये कल्पना करते हो कि ईश्वर हमारे ऊपर खुश नहीं है, उसको हम चार फूल चढ़ाएंगे तब हमारे ऊपर खुश हो जाएगा, चार पैसा देंगे तब खुश हो जाएगा, या इसे आंख बंद करेंगे तब खुश हो जाएगा। ईश्वर तो सदा प्रसन्न है ना। ईश्वर तो स्वयं प्रसन्न अंतःकरण में माने निष्काम अंतःकरण में, काम में वस्तु तो रहेगी नहीं, तब रहेगा क्या? ईश्वर ही रहेगा। तो कर्म का समर्पण इस तरह नहीं होता जैसे हम गुड़ लेकर के सालग्राम को भोग लगाते हैं। कर्म का समर्पण ऐसे होगा कि जो कर्म हो रहा है उसका कारिता अंतर्यामी प्रभु हमारे हृदय में बैठ कर इस यंत्र को चला रहा है। इस यंत्र के चलने से हमको कुछ प्रामुक्षिक का अर्थ हो गया कर्तरी समर्प्य भोक्ता भोज्यम प्रेरितारं चमत्व सर्वंत्रोक्तम सुविधम धर्म योगस्थ कुरु कर्माणि योग माने भगवत योग। अंतर्यामी रूप से अथवा दृष्टा रूप से अथवा अधिष्ठान रूप से अथवा निसंकल्प अंतःकरण के साक्षी के रूप से जो भगवान विराजमान है। प्रसाद माने है ईश्वर के अतिरिक्त किसी भी अप्राप्त वस्तु की जो कामना है ईश्वर माने अंतर्यामी। जैसे ये व्यक्ति बाह्य देश में बैठा है वैसे ईश्वर तो बाह्य देश में नहीं है, अंतर देश में ही है, बल्कि अंतर का भी अंतर है। अनेजत एकम एका नहीं है मनसो यदि नैनत देवा आत्मन दुर्वर्शन। हमारी इंद्रियां ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती है क्योंकि तो जहाँ पहुँचते हैं वहाँ तो पहले से ही है। तो ये चाह जो है ना असल जो चाह तुम्हारी चुहरी सब नीचन को नीचे केवल यही अविद्या का आवरण है कि हम किसी देश में किसी बाल में किसी अन्य रूप में विराजमान पदार्थ को चाहते हैं। देखो क्या तुम्हें प्राप्त है, जैसे घटाकार घटाकार मठाकार तो दोनों जैसे तीन वृत्ति हुई, तीनों वृत्तियों के बीच में और आगे और पीछे पांच स्थान पर ईश्वर प्रत्यक्ष है। वृत्ति के उदय के पूर्व वृत्ति की शांति होने, फिर वृत्ति के उदय के पूर्व शांति होने, फिर वृत्ति के उदय के पूर्व और शांति होने। समाधि तुम्हारी क्षण क्षण में जितनी बार विषयाकार वृत्ति होती है उतनी ही बार निरोधाकार वृत्ति भी संधि भी उतनी बार होती है। संधि और समाधि में क्या फर्क है? संधि में भी सम उपसर्ग है और समाधि में भी सम उपसर्ग, उसमें आ लग गया माने देर तक एकाग्र वृत्ति रहे, आ माने पूर्ण रूप से एकाग्र वृत्ति रहे और संधि में देर तक नहीं रही, इसलिए संधि में आ उपसर्ग नहीं है और समाधि में आ उपसर्ग। इतने तो है। अच्छा अप्राप्त क्या है तुमको? तो कहो कि हमारे चित्र में राग है। कहाँ राग है? तो कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको तुम छोड़ के सोते हो या जिसका निरंतर चिंतन कर सकते हो? पत्नी से राग है कि माता से राग है कि भाई से राग है, नमक से राग है, शक्कर से राग है, कहीं हमारे चित्त में राग है ये भ्रांति, ये भी अविद्या का ही कार्य है। कौन ऐसा है जिससे तुम
निरंतर द्वेष कर सकते हो। तो न तो निरंतर राग रहता है और न तो निरंतर द्वेष रहता है। ये जितनी बार जाते हैं उतनी बार आते हैं, जितनी बार जाते हैं उतनी बार आते हैं, और जब जाते आते हैं तो तुम्हारे साथ उनका देखो रथ के पहिए की तरह घूमते रहता है। इसलिए आसक्ति भी एक क्रम है, ईश्वर की अप्राप्ति भी एक क्रम है, अंतकरण की अशुद्धि भी एक क्रम है। यदि ये अविद्या के कार्य नहीं है तो वेदांत में इनकी क्या संगति है। इसलिए हमें केवल भ्रम की निवृत्ति ही अपेक्षित है, निक्षेप कार क्रिया नहीं है और अंतकरण शुद्धि का अर्थ झाड़ू लगाना नहीं। अंतकरण शुद्धि का अर्थ है अंतकरण का निष्काम होना। निष्काम का फल अंतकरण की शुद्धि नहीं है, स्वयं निष्कामता ही अंतकरण की शुद्धि है। क्योंकि काम में काम्यमान पदार्थ जो है वो जाके अंतकरण को मिश्र बनाता है, माने पानी है तो वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। यदि नींबू का रस मिल गया तो शुद्ध नहीं रहा, शक्कर मिल गया तो भी शुद्ध नहीं रहा, मिट्टी मिल गई तो भी शुद्ध नहीं रहा। इसी प्रकार हम हमारे अंतकरण में जब संसार के विषय मिल गए तब उसका नाम हो गया अशुद्ध, और जब संसार के विषय हट गए तो उसका नाम हो गया शुद्ध। और जब संसार दिखता है तभी इसका कर्ता भी दिखता है, इसका उपादान और इसका निमित्त तभी है जब संसार है। यदि प्रपंच नहीं है तो उपादानता और निमित्तता किसमें होगी। इसलिए अपना स्वरूप तो सर्वथा शुद्ध है ही, उसको न जानने के कारण प्रतीत होता है कि यहाँ आसक्ति हो गई, यहाँ द्वेष हो गया, ये सुषुप्ति हो गई, ये स्वप्न हो गया। जागृत में ईश्वर का निर्माण है ऐसा मालूम पड़ता है, परंतु विचार करके देखते हैं तो स्वप्न में अपना निर्माण है, अपने मन का निर्माण है, वहाँ ईश्वर स्थानीय अपना मन है। और सुषुप्ति में देखो तो सबको त्याग करके ही हम आराम से सो सकते हैं। इसलिए सर्व निर्माण का सामर्थ्य है स्वप्न में और सर्व त्याग का सामर्थ्य है सुषुप्ति में। ये दोनों हमको रोज दिखती है और हम उन दोनों पर विचार न करके, वो भी तो हमारे जीवन की एक अवस्था है, जैसे जागृत है वैसे स्वप्न भी होता है, वैसे सुषुप्ति भी होती है। हम केवल जागृत जागृत का विचार करते हैं और स्वप्न सुषुप्ति का विचार नहीं करते हैं। तो अपने निर्माण का सामर्थ्य का ज्ञान तो होगा स्वप्न में, यदि स्वप्न पर विचार करेंगे तो, और यदि सुषुप्ति का विचार करेंगे तो अपने सर्व त्याग सामर्थ्य का ज्ञान होगा। तो ये निर्माण और विध्वंस, ये दोनों का प्रकाशक सत्ता आधार मैं हूं। अब ईश्वर को देखना हो तो चाहे जब जरा गर्दन झुकाई देख लो, चाहे गोरा देखो, चाहे काला देखो, चाहे देवी देखो, चाहे हाथी देखो, चाहे रोशनी देखो। हाथी देखो तो गणेश है, देवी देखो तो उमा है, गोरा देखो तो शिव है, सांवरा देखो तो विष्णु है, और केवल प्रकाश देखो तो सूर्य है, और सबसे प्रकाशित करने वाले तो ये जितना साधन साध्य भाव है वो सब का सब भ्रांति दशा में ही है, अभ्रांत दशा में साधन साध्य भाव नहीं। तो ये देखो जमुना जी कह रहे तो बालुका में खुले गौ में जल पीने के लिए चल रहे, पीछे पीछे मोर मुकुट धारण किए हुए, बांसुरी बजाते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए। तुम स्वप्न बना लो, जागृत अवस्था में एक स्वप्न बना लो तो भाव समाधि हो जाएगी, ऐसी परमता होगी कि सब भूल जाएगा। और जागृत अवस्था में सुषुप्ति बनाओ, सुषुप्ति में कैसा रहता है, वहां रथ रहता है, रथ योग रहता है, सुषुप्ति में कुछ भी ज्ञाता ज्ञेय का भाव नहीं रहता है। तो ज्ञाता ज्ञेय के भाव से रहित सुषुप्ति को यदि जागृत में बना लो तो विरोध समाधि हो जाएगी, योग समाधि, और यदि स्वप्न बना लो तो उसका नाम भाव समाधि हो जाएगा। और ये हमको नहीं होता है तो भगवान का दर्शन नहीं होता है, ये भी भ्रांति है। हमको समाधि नहीं लगती है, ये भी भ्रांति। ये सब की सब जिनको हम अप्राप्त समझ करके चाहते हैं, वो हमने झूठ मूठ जिनको पकड़ने का भी भ्रम है। ऐसा कोई नहीं है जिसको हम
छोड़ नहीं सकते, शरीर से छोड़ सकते हैं, मन से छोड़ सकते हैं, शरीर को ही छोड़ सकते हैं। तो कहे भगवान बैठा लो, प्रयागराज में जाकर फिर काशी करवट लेते हैं, काशी में अक्षयवट में शरीर छोड़ते हैं। तो वो त्याग का सामर्थ्य के आपके अंदर नहीं है, तो चाहते क्या है? असल में शुद्ध में ही अशुद्ध की क्रांति हो गई है। यदि विचार करके देखें तो पानी में मिट्टी नहीं मिली, मिट्टी तो पानी से मिलकर अपने कारण में लीन हो जाती है। अच्छा, पानी में नींबू नहीं मिला है, वो तो मृतिका का ही कार्य है। इमली नहीं मिली है, आम नहीं मिला है, शक्कर नहीं मिली है। पानी जो है वो तो तेज के सिवा और कुछ नहीं है। तेज आप और नहीं तो छंदों के किस तत्व है, तेजो बन बैठे हैं। ठीक है, आकाश आप वायु हो गई, हिलाते हिलाते गर्म हो गया है, तेज हो गया, पसीना हो गया, पानी हो गया, पसीना जम के मिट्टी हो गया। ये क्या कहीं शास्त्र आसमान से लेकर शास्त्रों में लिखा है? पसीने की मिट्टी बनते हम देखते हैं कि पानी से मिट्टी बन गई, और गर्मी से पसीना होते देखते हैं, तेज से पानी बन गया, और दौड़ धूप से गर्मी आते देखते हैं तो वायु से उष्णा हो गई, और दौड़ धूप कहाँ होते हैं? आकाश में होते हैं। अच्छा देखो, हाथ अन्नमय कोश, इसका नाम शास्त्र में अन्नमय कोश जो देख रहे होते हैं आप, और इसका नाम प्राणमय कोश हिलाया हाथ, इसका नाम प्राणमय कोश हो गया। अब इसको हिलाने की जो इच्छा है उसका नाम मनोमय कोश हो गया, और जो हिलाने का कर्तृत्व है उसका नाम विज्ञानमय कोश हो गया, और हिलाने या रोकने में जो मजा है उसका नाम आनंदमय कोश हो गया। और ये जो मालूम पड़ना है वो सत्यत्व में मालूम पड़ना अविद्या का कार्य है, और ब्रह्म तुच्छम प्रतिष्ठा ये परमात्मा है। ये जो लोग सोचते हैं कि पता नहीं ऋषियों ने कहाँ कहाँ से है ना खींच खींच के लाया होगा, यदि ऋषि जो है वो वेद का दृष्टा हो सकता है तो वेद दृश्य हुए कि नहीं हुए? यदि वेद दृश्य हुए तो दृष्टा में क्या विशेष है कि ऋषि का दृष्टा तो वेद का दृष्टा होगा और हमारा दृष्टा दृष्टा नहीं होगा? साक्षात कृत धर्माणा ऋषयो ऋषयो मंत्र दृष्टा है। अच्छा कहो, फिर तो वेद भी गया प्रपंच में क्या? नहीं, वेद ज्ञान स्वरूप है, अपौरुषेय ज्ञान स्वरूप है, तब तो आत्मा है, और यदि दृश्य रूप है तो अनात्मा है, वो भी अनित्य है। आत्मरूप से ही वेद सत्य हो सकते हैं, अनात्म रूप से वेद सत्य नहीं हो सकते। इसलिए तुम जिसको चाहते हो, अंतःकरण की शुद्धि, भगवान का दर्शन, मोक्ष, गोलोक, समाधि, काल में समाधि चाहते हो, देश में गोलोक चाहते हो, और वस्तु के रूप में साकार निराकार को चाहते हो। निराकार भी वस्तु ही है क्योंकि आकाश वो है ना, देश काल और आकाश, ये निराकार होने पर भी वस्तु। तो जिसको तुम अप्राप्त मान करके तड़प रहे हो वो तो तुम्हें प्राप्त है, सिर्फ पहचानते नहीं। ये स्वामी जी हैं, एक मांस का टुकड़ा देख रहे हैं, परंतु ये स्वामी जी हैं। ये कहा स्वामी जी तो मनोमय है, सब मनो तुम्हारे मन में एक स्वामी जी हुए और एक अस्वामी जी हुए, तो तुम अस्वामी जी को मत देखो, स्वामी जी को देखो, जब जरा गर्दन झुका हुआ देख लो। और तुम्हारे मन के दो विभाग हैं, स्वामी अस्वामी और अपरोक्ष है दोनों। तुमने कल्पना करी है मांस पिंड में, और वो मांस पिंड मन में ही दिख रहा है, तो ये मांस है, ये मिट्टी है, ये भी मन में ही मालूम पड़ता है। तत्व जो है वो साक्षात अपरोक्ष अपना आत्मा, और सृष्टि के कर्ता भर्ता हर्ता साकार निराकार जो कुछ भी है वो शब्दजन्य अंतःकरण की वृत्ति है। ये माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, ये सब शब्दजन्य वृत्ति है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, माता पिता द्रव्य नहीं है, माता पिता भाव है मनोमयी सृष्टि में। कैसे तुमको कौन सी वस्तु अप्राप्त है कि जिसकी प्राप्ति के लिए मन में कामना है, तो अप्राप्ति का जो भ्रम है, क्या ईश्वर तुम्हारे अंतःकरण में नहीं है? क्या आत्मा नहीं है? कहाँ गया? ईश्वर परदेश गया है,
ईश्वर का पीछे छूट गया है, रास्ते में चलते हैं ना तो कोई पीछे छूट जाता है कोई आगे बढ़ जाता है, तो ईश्वर के क्या पीछे छोड़ करके आए हो? क्या ईश्वर तुमसे कहीं आगे बढ़ गया है? क्या ईश्वर अभी पैदा ही नहीं हुआ है? क्या ईश्वर आगे पैदा होगा? और ये सब ईश्वर नहीं है तो तुम्हारा सच्चा है।